Assalamu alaikum students, here is your biology teacher Sarumar and I am going to explain cyclic phosphorylation. अच्छा इस टॉपिक को समझने के लिए ना जो इससे पिछला टॉपिक है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वाला टॉपिक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको जरूरी है कि जो मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की है वो पहले देख लें, उसके बाद आप इस टॉपिक को समझेंगे तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो फॉस्फोराइलेशन यानी कि अगेन वही बात है कि हमने एटीपी सिंथेसिस करनी है और साइक्लिक का मतलब है कि ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बनाना क्या है, एटीपी बनानी है, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोसेस के हवाले से, फिर मैं आपको इसकी स्कीमेटिक डायग्राम समझाऊंगा अच्छे अंदाज में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक फोटो सिस्टम यूज होगा, कौन सा, फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम टू इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनती है, जबकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमने एटीपी भी बनाई थी, हमने एनएडीपीएच भी बनाया था, हमने ऑक्सीजन भी बनाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनेगी। उसके बाद ये प्रोसेस सेल में हर वक्त नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब सेल के अंदर एटीपी की कमी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो फेरोडॉक्सिन तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वो आगे एनएडीपी रिडक्टेज के पास जाने की बजाय वापस आ जाता है, ठीक है, एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो मूवमेंट है वो साइकिल हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, वो वापस आ जाता है किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। तो इसलिए हम इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक यहाँ पर ना बात लिखी हुई है कि एटीपी इज जनरेटेड बाय कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक मीनिंग बता देता हूँ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आपको केमियोस्मोसिस समझाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि ये दोनों आपस में कैसे कपल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां पर एक फिनोमिना हो रहा होता है केमियोस्मोसिस, ठीक है। ये दोनों आपस में कपलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इंशाल्लाह इस चीज को डिटेल में समझाऊंगा कि इनकी कपलिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात कि इसके अंदर ना तो NADPH प्रोड्यूस होता है ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब इसकी मैं स्कीमेटिक डायग्राम के पास आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है ना ये एज इट इज वही वाली डायग्राम मैंने बनाई है जो कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की होती है। लेकिन यहाँ पर ना आपने इस चीज के ऊपर तवज्जो दे दी है, जोन से पाथवे को साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन फॉलो करता है वो मैंने ब्लू बोर्ड मार्कर से ड्रॉ किया है और जिसको वो फॉलो नहीं करता वो मैंने रेड बोर्ड मार्कर से ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं आपको जल्दी से ना जरा पहले नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का पाथवे समझा देता हूँ कि वो क्या था, ठीक है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम टू से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे आया था, वहां से प्लास्टोक्विनोन के पास आया था, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आया था, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास आया था, फिर फोटोसिस्टम वन के पास आया था, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया था, फिर फेरोडॉक्सिन के पास आया था, एनएडीपी रिडक्टेज के पास आया था और एनएडीपीएच बन गया था, ठीक है। ये तो था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जब वो यहां से फोटोसिस्टम वन से एक्साइट होकर ऊपर जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको फेरोडॉक्सिन के पास भेजना है, लेकिन वो फेरोडॉक्सिन से क्या होगा वापिस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ना जो मूवमेंट है ना वो कुछ इस तरह करके होगी, इस तरह, ठीक है, उधर से दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर दोबारा से फोटोसिस्टम वन, फिर दोबारा इस तरह एक साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। और जब जहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा यहां पर अगेन क्या होगी, एटीपी बनेगी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ओनली एटीपी सिंथेसिस होगी, NADPH का सिंथेसिस होना जब उसने NADP रिडक्टेज के पास जाना था तो वो उसके पास जाता नहीं है, वहां से वापस आ जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है, एटीपी बन रही है और ड्यू टू साइक्लिक फ्लो बन रही है, इसलिए हम इसको कह देते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इट्स दैट्स ऑल फ्रॉम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहाँ पर ना मैंने आगे छोटा सा एक सेगमेंट बनाया है आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एक छोटा सा कंपेरिजन बनवाया है बिटवीन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो मैं जल्दी से ना कुछ कंपैरिजन कर लेता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन कि इसके अंदर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नॉन साइक्लिक होगा, वो जी पाथवे को फॉलो करता हुआ आगे मूव करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद
साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिर्फ तब होगा जब एटीपी कम होगी, एटीपी की डेफिशिएंसी होगी सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो नॉन साइक्लिक फ्लो है उसको शिफ्ट कर देगा साइक्लिक फ्लो के अंदर, ठीक है। लेकिन ये हर वक्त सेल में चलता रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नॉन साइक्लिक फ्लो ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात के जो साइक्लिक फ्लो की प्रोडक्ट है वो सिर्फ एटीपी है, लेकिन नॉन साइक्लिक फ्लो की प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, एटीपी आता है, एनएडीपी आता है और O2 आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जो साइक्लिक फ्लो है इसमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम यूज होता है, फोटोसिस्टम वन, लेकिन नॉन साइक्लिक फ्लो जो है वो दोनों फोटोसिस्टम को यूज कर रहा होता है, फोटोसिस्टम टू को भी यूज करता है और फोटोसिस्टम वन को भी यूज करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जो प्लास्टोक्विनोन है वो साइक्लिक फ्लो में यूज नहीं होती, जैसे मैं स्कीमेटिक डायग्राम में बताया था, वो जो प्लास्टोक्विनोन है वो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि प्लास्टोक्विनोन इसमें यूज नहीं हो रही, लेकिन नॉन साइक्लिक फ्लो में प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन जो है ये यूटिलाइज होती है, ये यूज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात की इलेक्ट्रॉन जो है वो फेराडॉक्सिन के पास जाकर साइक्लिक फ्लो के अंदर अगर जाएगा तो फेराडॉक्सिन से दोबारा साइटोक्रोम के पास वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नॉन साइक्लिक फ्लो में आएगा वही इलेक्ट्रॉन जो है वो फेराडॉक्सिन से आगे मूव कर जाएगा एनएडीपी रिडक्टेज के पास, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम फॉस्फोराइलेशन। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरीज ही और शी कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ एनी सजेशन एंड एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द फॉस्फोराइलेशन।